हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि यूपी एनएचएम यानी उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन से आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या देने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप इन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ यूपी की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है होम पेज पे ही रिक्रूटमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्स ट्यूटर पीएचएन ट्यूटर, यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एंड डिटेल्स यहाँ से आप देख सकते हैं। तो पहले डिटेल्स देख लेते हैं। वैकेंसी में आगे बढ़ने से पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है 623 SPMUHR AWP। वैकेंसी में आगे बढ़ने से पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लेते हैं 623/SPMU/HR/appointment 2022-23-22-57, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। फ्रेंड्स, ये पोस्ट है यहाँ पर पीएचएन ट्यूटर यानी पब्लिक हेल्थ नर्स ट्यूटर के लिए ये वैकेंसी है एंड टोटल वैकेंसी यहाँ पर 190 है। रिजल्ट में 76 है, ईडब्ल्यूएस में 19 है, ओबीसी में 52 है, एससी में 40 है, एसटी में आपकी 3 पोस्ट यहां पर रहेगी एंड ये वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ही फिल की जाएगी एंड लास्ट डेट अप्लाई करने की 20 जुलाई 2022 है, जिसे आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग में है या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस है लेबर रूम सेटअप एमसीएच वार्ड में, या आपके पास एमएससी नर्सिंग ऑप्स एंड गायनेक पीडियाट्रिक्स में है, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है लेबर रूम सेटअप एमसीएच वार्ड का, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए नर्स एंड मिडवाइफरी ऑफ यूपी नर्स एंड मिडवाइफ काउंसिल में, वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मैक्सिमम 40 ईयर के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं एंड सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पर 35,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स एंड परसेंटेज के बेस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा एंड वन वैकेंसी के बिहाफ में 3 कैंडिडेट को रिस्पेक्टिव कैटेगरी में ही सेलेक्ट किया जाएगा, यानी कि वन वैकेंसी के बिहाफ में 3 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड देन आपके मेरिट वाइज यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। एंड अपर एज लिमिट में यहाँ पर मैक्सिमम 40 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी एनसीएलडी 3 ईयर है, एससी एसटी के लिए 5 ईयर है, पीडब्ल्यूडी रिजर्व में 10 ईयर, ओबीसी एनसीएल में 13 ईयर, एससी एसटी के लिए 15 ईयर की एज में छूट दी जाएगी। सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, आप किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस आपको सबमिट नहीं करनी है, सभी के लिए छूट है यहाँ पे एंड ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं उसे देख लेते हैं। 10th की मार्कशीट, 12th मार्कशीट, बीएससी नर्सिंग की मार्कशीट, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड यहाँ पर आपको 3 मंथ्स बैंक का स्टेटमेंट ऑफ सैलरी प्रूफ देना है, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है एंड किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं ये आप यहाँ से देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। आइए देख लेते हैं ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है। इसके लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्स ट्यूटर एप्लीकेशन अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज में जैसा कि आप देख रहे हैं डिटेल्स आपको देखनी है, अप्लाई नाउ का लिंक दिया गया है एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले
इस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं पब्लिक हेड इंस्टीट्यूटर पोस्ट सीट पर क्लिक करना है। 20 जुलाई अप्लाई करने की लास्ट डेट है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद एप्लीकेशन को पूरा फिल करने के बाद आपको उसका प्रिंटआउट निकाल लेना है। तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन गाइडलाइंस को पहले फिल करना है, विज्ञप्ति, जनरल गाइडेंस, तकनीकी दिशा निर्देश, रजिस्ट्रेशन का प्रारूप, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखना है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन का प्रारूप दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर एप्लीकेंट्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड जेंडर सेट करके उसे सबमिट कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट जो आपने किया था लॉगिन करना है। उसके बाद फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके उसे सबमिट कर सकते हैं। 20 जुलाई अप्लाई करने की लास्ट डेट है। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।